वो कौन होगा जो मोदी से टकराएगा? 2024 में मोदी के सामने कौन आएगा? सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा गई बेकार, मोदी के आगे ये चेहरा होगा इस बार। मोदी के बाद इस नेता को पसंद कर रहे हैं लोग, न राहुल न ममता न नीतीश। मोदी के बाद लोगों ने इस नेता पर जताया प्यार। मोदी के बाद लोगों ने इस नेता पर प्यार जताया। क्या अब कांग्रेस का बुरा वक्त आया? साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हर पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में लगी है। राहुल बाबा भी देश के हर राज्य में घूम घूम कर मोदी से टकराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल की भारत जोड़ो यात्रा बेकार जाने वाली है, क्योंकि हाल ही में जो सर्वे में खुलासा हुआ है, लोगों ने सर्वे में मोदी के बाद जिस नेता को पसंद किया है, लोगों ने विपक्ष के नेता के तौर पर जिस नेता का नाम बताया है, उससे हर किसी को हैरान कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर विपक्ष के इतने नेताओं में नरेंद्र मोदी का असली सियासी दुश्मन कौन होगा? कौन पीएम मोदी को 2024 में होने वाले आम चुनाव में मात देगा? मूड ऑफ द नेशन के आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्ष की तरफ से इस बार सबसे ताकतवर चेहरा कौन होगा जो एनडीए को कड़ी टक्कर देगा और नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। लेकिन इस सर्वे में सबसे बड़ा झटका राहुल गांधी को लगा है। दरअसल साल 2024 को लेकर एक सर्वे किया गया, इसमें लोगों से दो सवाल किए गए। पहला, पीएम मोदी का काम कैसा लगा, और दूसरा सवाल था कि साल 2024 में विपक्ष के नेता के तौर पर किस नेता को लोग पसंद करते हैं। मोदी के काम के तौर पर लोगों ने सहमति जताते हुए खुशी जताई, लेकिन जब लोगों से पूछा गया कि 2024 में मोदी का सियासी दुश्मन कौन होगा, तो लोगों के रिएक्शन हैरान करने वाले थे, क्योंकि लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी के सपनों को तोड़ दिया। इंडिया टुडे और सी वोटर के सर्वे से पता चला है कि इस रेस में मोदी के बाद लोगों की पहली पसंद राहुल गांधी नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं। अब आंकड़ों के आधार पर समझिए कि देश के लोगों का मूड क्या है। दरअसल मोदी के बाद देश के 24% लोगों ने माना कि अरविंद केजरीवाल विपक्ष के सबसे बेहतर नेता है। इसके बाद 20% के साथ ममता बनर्जी दूसरे नंबर पर है। वहीं हैरान करने वाली बात यह है कि इस सर्वे में कांग्रेस के युवराज और भारत जोड़ो यात्रा करके देश भर में घूमने वाले राहुल गांधी को केवल 13% वोट मिले हैं, और वो विपक्ष के नेता के तौर पर लोगों की पसंद में तीसरे नंबर पर आते हैं। वहीं नवीन पटनायक 5% वोट के साथ चौथे नंबर पर हैं। हालांकि सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले थे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी राहुल गांधी का इस रेस में पीछे रहना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आपको बता दें, इस सर्वे में कुल 140,917 लोगों ने हिस्सा लिया था, जिनके आधार पर ये रिपोर्ट सामने आई है। इस सर्वे से अब देश का क्या समीकरण बनता दिख रहा है, ये भी समझ लीजिए। सर्वे के हिसाब से देश के लोगों की पहली पसंद अभी भी पीएम मोदी है। उसके बाद आते हैं केजरीवाल, जिन्हें लोग 24% पसंद कर रहे हैं, 20% लोग ममता, और केवल 13% राहुल को। मतलब साफ है कि बीजेपी के सामने जो सबसे बड़ा विपक्षी पार्टी है, उसे राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी देश के लोग नकार रहे हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि साल 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि सर्वे से मिले तीनों नेताओं के आंकड़ों को अगर जोड़कर देखें तो 57% बैठता है। मतलब आधे में पूरा विपक्ष और आधे में पीएम मोदी। तस्वीर साफ है देश में किसकी सरकार बनेगी और किस नेता को देश के लोग सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।